सुसमाचार और उसका चौथा अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका चौथा अध्याय पद 35 से लेकर 42 पद तक हम लोग सुनेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका चौथा अध्याय पद 35 से लेकर मरकुस 4 35 से लेकर 41 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार चौथा अध्याय पद 35 से लेकर 41 पद तक। प्रभु का वचन इसमें यूं कहता है, हम सभी ध्यान से सुने। आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? यहीं तक आमीन। सभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। एक बार फिर कर उद्धारकर्ता यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में हम आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि हमारे लिए ऐसा परमेश्वर ने मार्ग को खोला है, रास्ता तैयार किया है कि हम ऐसे लॉकडाउन के समय भी मेरे प्रियो हम ऑनलाइन आराधना के नाम एक दूसरे के साथ में हम लोग जुड़ने पाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद कि सचमुच में वो हमारे जीवन को थामने वाले परमेश्वर हैं, हमारे जीवन को संभालने वाले परमेश्वर हैं और हमारे जीवन की अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। मसीह में प्रियो, जब आप और हम जब विषम परिस्थिति से जब हम होकर जीवन में जब आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग परिस्थिति से तंग आकर टूट जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जब उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है, जब समस्या आती है, जब परेशानी आती है मेरे प्रियो, वो लोग टूट जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे ही समय में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो विषम परिस्थिति में टूटते नहीं, लेकिन मेरे प्रियो, वे लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे समय में वे लोग टूटते नहीं लेकिन वे लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, एक कहावत है कि सांप के जहर से इंसान बाद में मरता है, पहले उसके डर से ही मर जाता है। हाँ मेरे प्रियो, सांप के डर से हाँ मेरे प्रियो, वो पहले मर जाता है, उसके जहर से मेरे प्रियो, वो बाद में मरता है। सचमुच में मेरे प्रियो, जब विपरीत परिस्थिति आती है बहुत बार आप और हम घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं मेरे प्रियो, और बहुत बार हमें प्रियो हम जो कदम नहीं उठाना होता है वैसा हम गलत कदम उठाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको और हमको जानने की आवश्यकता है कि हम लोग कौन लोग हैं और हमारे साथ कौन है मेरे प्रियो। जब हम इस बात को जान जाएंगे कि आप और हम कोई साधारण लोग नहीं हैं लेकिन हम यीशु मसीह के लोग हैं और यीशु मसीह हमारे साथ में है मेरे प्रियो, तो विषम परिस्थिति में भी होकर जब हम जब जीवन को आगे बढ़ाते हैं मेरे प्रियो, हम स्थिरता का जीवन, विश्वस्तता का जीवन, धैर्यता का जीवन को हम व्यतीत करने पाएंगे। और मेरे प्रियो, आज के वचन में जब देखते हैं तो ऐसे ही बातों को हम देखने पाते हैं। वचन बताता है मेरे प्रियो कि उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और मेरे प्रियो, यीशु और उसके चेले गलील सागर से होकर वे किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। और मेरे प्रियो, जब ये लोग पार कर ही रहे हैं, वचन बतलाता है कि उसमें तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि पानी से भरी जाती थी। हाँ मेरे प्रियो, जब ये लोग गलील सागर के किनारे की ओर जब वो लोग आगे बढ़ रहे नाव में, बड़ी आंधी आई, तूफान आई और मेरे प्रियो, लहरें नाव पर लगने लगी, पानी भरी जाती थी मेरे प्रियो नाव पे। और ऐसे समय में मेरे प्रियो, हम देखने पाते हैं कि जो यीशु मसीह के शिष्य हैं, हाँ मेरे प्रियो, लोग घबरा जाते हैं और यीशु मसीह वहाँ पर आराम से वो सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं।
और उसके चेले मेरे प्रियो उस आंधी के कारण से, उस तूफान के कारण से मेरे प्रियो वे लोग घबरा जाते हैं, वे लोग डर जाते हैं। और मेरे प्रियो जितना उनको कोशिश करना होता है वे लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन जब उनका कोशिश काम नहीं आता है, जब उनका मेहनत काम नहीं आता है मेरे प्रियो, वे लोग और भी डर जाते हैं। मेरे प्रियो जहाँ तक उनके पास में सामर्थ था वे लोग नाव को खेने का प्रयास करते हैं, नाव को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उनका सामर्थ काम नहीं करता है मेरे प्रियो, वो लोग और भी बहुत ज़्यादा वो लोग डर जाते हैं, वे लोग घबरा जाते हैं मेरे प्रियो। और वे लोग यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि हम यहाँ पर मर रहे हैं, हम यहाँ पर तूफान में फंसे हुए हैं, और यीशु मसीह क्या कर रहा है, आराम से सो रहा है। क्या यीशु मसीह को हमारी चिंता नहीं? हाँ मेरे प्रियो, जब उनको कोशिश करना था, मेहनत करना था, जब वे लोग कोशिश किए, जब उनका मेहनत सफल नहीं हुआ, वे कहते हैं कि हम यहाँ पर मर रहे हैं और यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं। क्या यीशु मसीह को हमारी चिंता नहीं? मेरे प्रियो, इस बात को और आपको हमको जानने की बातें हैं मेरे प्रियो, कि सचमुच में कि सबसे ज्यादा यीशु मसीह को ही आपका चिंता है। किसी को और आपके जीवन के बारे में चिंता है या तो नहीं है मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे प्रियो अगर आपका चिंता है तो यीशु मसीह को है। और यही कारण से मेरे प्रियो आज आप और हम भी, आज हम लोग भले चंगे हैं, आज आप और हम मेरे प्रियो आज जीवितों की धरती पर हैं, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने आपके हाथ को नहीं छोड़ा है, यीशु मसीह ने आपके परिवार को नहीं छोड़ा है, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे प्रियो जैसा यशायाह 41 उसका 10 पद में वचन कहता है कि इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने दाहिने हाथों से संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो यीशु मसीह आज आपको संभाले हुए है, लेकिन उसके चेलों ने कहा कि हम यहाँ पर मर रहे हैं और यीशु मसीह को हमारे बारे में कोई चिंता नहीं है। मेरे प्रियो यीशु मसीह को चिंता है, पहला पत्रस 5 और उसका 7 पद में वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो यीशु मसीह आपके बारे में ध्यान करते हैं, आपके बारे में चिंता करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो वहां पर चेले गण देखिए किस तरह से कहते हैं, जब विपरीत परिस्थिति आई, जब उन्होंने मेरे प्रियो कोशिश किया, ऐसे समय में वे लोग यीशु मसीह पर क्या करना शुरू किए, संदेह करना शुरू कर दिए, वे लोग शक करना शुरू कर दिए कि यीशु मसीह को हमारा चिंता नहीं है। मेरे प्रियो ऐसे ही जब आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी जब परिस्थितियां आती है ना मेरे प्रियो, तो आप और हम भी बहुत बार क्या करते हैं, उस अपने मसीहत पर, यीशु मसीह पर हम लोग शक करना शुरू कर देते हैं, संदेह करना शुरू कर देते हैं कि हम मसीह यीशु के साथ में चल रहे हैं, हम यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं, और मेरे जीवन में ये समस्या क्यों आ रही है, ये परेशानी क्यों आ रही है, ये बीमारी क्यों आ रही है। मेरे प्रभु इस बात को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह आपके साथ में है, यीशु मसीह हमारे साथ में है। मेरे प्रियो जब चेलेगन, हाँ मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को उठाते हैं और बोलते हैं यीशु मसीह यहाँ पर हम मर रहे हैं, यहाँ पर तूफान आया हुआ है, यीशु मसीह उठे, और मेरे प्रियो उन्होंने आंधी को डांटा और मेरे प्रियो निश्चय पानी को थाम दिया, आंधी थम गया। मेरे प्रियो जो बड़ी आंधी थी, जो नाव को डुबा रही थी, जो मेरे प्रियो पूरे समुन्द्र में हलचल मचा दी थी मेरे प्रियो, उस तूफान को, उस पानी को यीशु मसीह ने, हाँ मेरे प्रियो, शांत कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियो, बड़ी बात को कहा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं मेरे प्रियो? और मत्ती में, लूका में जब पढ़ेंगे, वचन कहता है तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। मेरे प्रियो यीशु मसीह जब खड़े हुए, उन्होंने आंधी को और तूफान को मेरे प्रियो शांत कर दिया और यही कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। मेरे प्रियो आज आपके लिए सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है मेरे प्रियो। जिस तरह से यीशु मसीह और उसके चेले नाव पे सवार होकर यात्रा कर रहे थे, इसी तरह से मेरे प्रियो जब आप और हम जीवन के सफर में, जब हम आप और हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, इसी आंधी और तूफान की जैसा बहुत बार आपके जीवन में समस्या आती है, आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, आपके जीवन में मेरे प्रियो बीमारियां आती है, आपके जीवन में चुनौतियां आती है, तकलीफें आती है मेरे प्रियो। और ऐसे समय में आप और हम भी उन चेलों की तरह क्या करते हैं, उन समस्याओं को सामना करने का प्रयास करते हैं, हम मेरे प्रियो उनसे निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो जब आप और हम थक जाते हैं, हमारा जब प्रयास व्यर्थ हो जाता है मेरे प्रियो, हमारा विश्वास है वो डगमगाना शुरू हो जाता है, हाँ मेरे प्रियो, उनका विश्वास कमजोर होने लगता है मेरे प्रियो।
आज आपको और हमको अपने जीवन को देखना है, मेरे प्रभु मंथन करना है कि क्या हम यीशु मसीह पर ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी क्या हम स्थिर रहते हैं। मैंने शुरू में ही कहा मेरे प्रभु, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे प्रभु रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, मेरे प्रभु रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। क्यों मेरे प्रभु? उनको भरोसा होता है, उन पर अपने आप पर भरोसा होता है मेरे प्रभु। लेकिन जब आप और हम लोग मसीही लोग हैं तो मेरे प्रभु ना केवल आज अपने आप पर भरोसा करने की बात है, लेकिन इस बात पर भरोसा करना है कि हमारे जीवन के सफर में आपके साथ में चलने वाला कौन है? यीशु मसीह है। आपके जीवन के नाव को खेने वाला कौन है? यीशु मसीह है। और जब आपके जीवन के नाव को यीशु मसीह खेने वाला है मेरे प्रभु, तो आप विश्वास जानिए कि यीशु मसीह मेरे प्रभु आपके जीवन के नाव को कभी डगमगाने नहीं देंगे। यीशु मसीह आपके जीवन के नाव को कभी डूबने नहीं देंगे मेरे प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह आए हैं कि आपको और हमको जीवन दे और बहुत का जीवन दे। भजन संहिता 91 उसका एक पद वचन कहता है मेरे प्रभु, 91 उसका 1 में कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की छाया में क्या करता है? शरण लेता है। वो उसकी छाया में क्या करेगा? ठिकाना पाएगा। धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के शरण में क्या लेता है? छाया में शरण लेता है। वो ठिकाना पाएगा, उसके छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रभु इस बात को जानिए कि जब आप पर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं ना, तो ऐसी बातें आएंगी, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, समस्या आएंगी मेरे प्रभु, लेकिन उससे आप पर हम घबरा ना जाए, ऐसे परिस्थिति से आज हम निराश ना हो जाए मेरे प्रियो। हाँ, यीशु मसीह उस नाव पे सवार थे, जो भी कि आंधियां चल रही थी, तूफान आ रही थी मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह उसी नाव पे थे। चेले डर से कांप रहे थे, वे लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन यीशु मसीह बड़े ही चैन के साथ में वो लोग यीशु मसीह विश्राम कर रहे थे मेरे प्रियो। और यीशु मसीह खड़े होकर उठकर एक ही आवाज में उस आंधी को तूफान को शांत कर दिए। मेरे प्रियो मत्ती 28:18 पर वचन कहता है, यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है, परमेश्वर के हाथ में है मेरे प्रभु। और जब यीशु मसीह के हाथ में जब दिया गया है, और जब हम उसके साथ में होकर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं मेरे प्रभु, तो अपने हृदय को हम कच्चा होने ना दें। लेकिन सवाल होता है मेरे प्रभु, क्या यीशु मसीह आज आपके परिवार में है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन रूपी आज, हाँ मेरे प्रभु, आज मंडली में है? जीवन रूपी आज परिवार में यीशु मसीह क्या आज सवार है? अगर आप विश्वास जाने कि यीशु मसीह अगर सवार है, तो मेरे प्रियो आप नीचे बड़ी ही धैर्यता के साथ में आप आगे बढ़ने पाएंगे। और इस बात को दाऊद भले भांति जानता था मेरे प्रियो, दाऊद भले भांति जानता था। और इसीलिए भजन संहिता 23 उसका 4 पद में वचन कहता है मेरे प्रियो, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ मेरे प्रियो, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद को पता था मेरे प्रियो कि चाहे जैसा भी परिस्थिति है, लेकिन उसके साथ में कौन है? यीशु मसीह है। जिस दिन हम इस बात को जान जाएंगे मेरे प्रियो, बड़ी बड़ी आंधियां चलेगी, बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी मेरे प्रियो, लेकिन उन बीमारियों में, उन समस्याओं में, उन परेशानियों में आप और हम टूटेंगे नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हम रिकॉर्ड बनाएंगे और यीशु मसीह की महिमा और हम जय जयकार करने पाएंगे मेरे प्रियो। आज सबसे ज्यादा यीशु मसीह आपकी चिंता करता है मेरे प्रियो, और इसीलिए आज हम यीशु मसीह के वचन पर हम डाउट ना करें, यीशु मसीह पर मेरे प्रियो आज हम संदेह ना करें कि यीशु मसीह आपकी चिंता नहीं करता है। मेरे प्रियो इस बात को जाने, अगर यीशु मसीह अगर आपका चिंता करना छोड़ दे मेरे प्रियो, अगर आपका शुद्धि लेना छोड़ दे मेरे प्रियो, आप और हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिलाप गीत उसका 3 उसका 40 भी आगे वचन कहता है मेरे प्रियो कि आज हम मर मिट नहीं गए हैं, यह परमेश्वर के महाकरुणा का प्रतिफल है। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा है मेरे प्रियो, बात को जाने, उस नाव में यीशु मसीह सवार थे, लेकिन तो भी उसके चेले क्या हुए? वे लोग डर गए, वे लोग निराशा से भर गए मेरे प्रियो। इसी तरह से आज आप और हम भी होते हैं, यीशु मसीह आपके साथ में है, यीशु मसीह आपके परिवार में है, यीशु मसीह मेरे प्रियो आपके मंडली में है, हम यीशु मसीह आपके काम में है, यीशु मसीह आपके पढ़ाई में है, यीशु मसीह आपकी योजना में है, लेकिन जब आपके विपरीत परिस्थितियां आती है, आप और हम टूट जाते हैं, आप पर हम निराश हो जाते हैं मेरे प्रियो। आज आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की ओर देखने की बातें हैं। नीचे हम परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में पूरा होते हुए हम देखने पाएंगे मेरे प्रियो। एक घटना को मैं याद करता हूँ कि एक व्यक्ति थे, और मेरे प्रियो वो जंगल से होकर वो शाम की घड़ी में वे हमारे मेरे प्रियो दूसरे गाँव को जा रहे थे,
और जब वो जा रहे थे मेरे प्रभु बीच जंगल में जब पहुंचे थे मेरे प्रभु, हवा धीरे धीरे चलना शुरू हुई और ऐसे समय में मेरे प्रभु वो अचानक से क्या देखता है, एक जानवर दिखता है मेरे प्रभु दूर से, और मेरे प्रभु डर जाता है और वो घुटने में आकर वो प्रार्थना करता है, आंख बंद करके क्या बोलता है कि हे प्रभु मुझे तू बचा दे, हे प्रभु मुझे आज इस जानवर से बचा ले प्रभु जी, हे प्रभु मुझे बचा ले, हे प्रभु मुझे बचा ले। और फिर से वो आंख खोलता है लेकिन क्या देखता है कि जो जानवर है वो वहीं पर खड़ा हुआ है, वो हिल रहा है। मेरे प्रभु फिर से आंख बंद करता है, बोलता है हे प्रभु वो अभी तक हिल रहा है, हे प्रभु अभी तक हिल रहा है, प्रभु जी इसे आप बंद कर दीजिए, हे प्रभु इसे आप रोक दीजिए। मेरे प्रभु फिर वो आंख खोलता है, फिर देखता है कि वो वहीं पर है, वो हिल ही रहा है। मेरे प्रभु फिर से आंख बंद करता है, बोलता है प्रभु ये जोर जोर से हिल रहा है, प्रभु हे प्रभु ये जोर जोर से हिल रहा है, वो रुक नहीं रहा है। मेरे प्रभु फिर वो आँख खोला, फिर देखता है कि वो वहीं पर है, फिर से वो चिल्लाता है हे प्रभु वो यहीं पर है, प्रभु यहीं पर है, प्रभु हे प्रभु वो जोर जोर से हिल रहा है पिता, हे प्रभु इन्हें आप दूर कर दें। मेरे प्रभु वो बार बार आँख खोलता है, बार बार आँख खोलता है और यही कहता है कि प्रभु यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। मेरे प्रभु वो हवा थम गई, सामने जाकर देखता है तो मेरे प्रभु वो जानवर नहीं लेकिन क्या है, एक झाड़ी है जो हवा से क्या हो रहा है मेरे प्रभु वो हिल रहा है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि वो जानवर है और वो डर के आंख खोलता है, आंख खोलता है। आप और हम भी मेरे प्रभु ऐसे ही हम लोग क्या होते रहते हैं, डरते रहते हैं। आज कोरोना आया हुआ मेरे प्रभु नीचे, आज सावधानी आज बरतने की आज आवश्यकता है मेरे प्रभु, लेकिन आज डर डर के आज जीना नहीं है मेरे प्रभु। आज मैं न्यूज में देखता हूँ मेरे प्रभु वो लोग कोरोना से बाद में मेरे प्रभु वे लोग अकेलेपन के कारण थे, निराशा के कारण थे, वे लोग पहले अपना जान दे दे रहे हैं। यीशु मसीह मेरे प्रभु आपको हमको कायर नहीं बनाया है, आपको निर्बल नहीं बनाया है मेरे प्रभु कि ऐसे परिस्थिति में आप पर हम साहस छोड़ दें। मेरे प्रभु इस बात को जाने कि यीशु मसीह आपके परिवार रूपी नाव पर सवार है, यीशु मसीह आपके जीवन रूपी नाव पर सवार है। जब यीशु मसीह आपके जीवन पर सवार है मेरे प्रभु तो यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं, यीशु मसीह आपको संभालते हैं मेरे प्रभु। और जब यीशु मसीह आपको संभालने वाले हैं मेरे प्रभु तो आप विश्वास जानिए कि आप जिस भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, चाहे वो समस्या है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो निराशा है, मेरे प्रभु परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सचमुच में इन बातों से परमेश्वर मेरे प्रभु आपको निकाल कर एक नया जीवन देंगे, बहुतायत का जीवन देंगे। और इसीलिए मेरे प्रभु हम और लोगों के जैसा हम ना कहें कि मेरे जीवन में यह समस्या क्यों आ रही है, मेरे परिवार में ऐसी समस्या क्यों आ रही है, मेरे जीवन में बीमारियां क्यों आ रही है। याकूब 1:2 पद में वचन कहता है मेरे प्रभु, जब तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आए तब तुम इसे बड़े आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ मेरे प्रभु जब परेशानियां आती है, बीमारियां आती है, इसे आनंद के पास समझना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। इसी तरह से मेरे प्रभु पहला कुरिन 10:13 पद में वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, उससे पहले परमेश्वर आपको क्या करता है, निकास करता है, आपको छुटकारा देता है। और आज वही परमेश्वर आपके साथ में है मेरे प्रभु। इसलिए आज आप जिस भी दौर से गुजर रहे हैं, चाहे जो भी आपके जीवन में समस्या है, चाहे बीमारी है, आज आप परमेश्वर के पास में रखेंगे। आज बड़ी बड़ी समस्या को, आज बड़ी बड़ी आंधी और तूफान को यीशु मसीह आज शांत करने के लिए आज आपके पास में है मेरे प्रभु। आज घबराने की बात नहीं है, परमेश्वर के साथ में चले। नीचे परमेश्वर आपके जीवन की उन समस्याओं को दूर करते हुए उन आंधी और तूफान को शांत करेंगे और आपको एक बहुत दायित्व जीवन को अधिकांश प्रदान करेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे कि हम विभिन्न विपरीत परिस्थिति में भी बड़ी विश्वस्तता के साथ, धैर्यता के साथ हम परमेश्वर के साथ में चलें और परमेश्वर की महिमा करने वाले हम बन सकें। परमेश्वर हमें के कुछ वचन में अधिकाई से आशीष देवे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सचमुच में तो हमारे जीवन के संग संग रहने वाला परमेश्वर है। आपने कहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, और इमानुएल परमेश्वर होकर तो हमारे जीवन को तू संभालता है, हमारी अगुवाई करता है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिस तरह से तो आप भी अपने चेलों के साथ उस नाव में था, वहां पर आंधियां चली, तूफान उठी, लेकिन आपने उस आंधियां को, उस तूफान को आपने शांत कर दिया। खुदावन प्रार्थना करते हैं आज ऐसे ही हमारे जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां हैं, आंधियां हैं, तूफान है, बीमारियां हैं, उन हरेक समस्याओं को आपके निकट मिलाते हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर ने तू शांत कर, उन हरेक समस्याओं को दूर कर, उन हरेक बीमारियों को दूर कर प्रभु, ताकि सचमुच में हम बड़े ही, हाँ परमेश्वर,
धैर्यता के साथ में हम आपके अद्भुत कार्य को देखने पाए। हाँ, परमेश्वर मूसा ने इसराइलियों से कहा था कि मत डरो, तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो। ऐसा होने दे प्रभु कि जब आप हमारे जीवन रूपी नाव पे हैं, जीवन रूपी परिवार में है प्रभु, हम आपके उस अद्भुत उद्धार के कार्य को हम देखने पाए और आपकी स्तुति महिमा करने पाए। हर एक सुनने वालों को बहुत अच्छा आशीष प्रदान करें। आज के समय को आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, पिता से सुनिए और स्वर्ग के राज्य ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, मसीह यीशु में आप सबके मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे अब से सदा लोग। आमीन।